अपने भाभी के प्रेम में पागल एक हैवान पति अपनी पत्नी का दुश्मन बन जाता और अपनी पत्नी को ऐसा इंजेक्शन देता है जिसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मरने के कागार पर खड़ी हो जाती है। ये एक महिला है जिनकी उम्र महज 28 साल है मित्रों, लेकिन इनके पति ने इनको ऐसा इंजेक्शन दिया, ऐसा ड्रग्स दिया जिसकी वजह से इनकी उम्र लगभग 60 साल जैसी लग रही है, क्योंकि इनका पति अपनी ही भाभी से, अपने ही घर में अपनी भाभी से प्यार करता था और इनको मारकर उसके साथ जो है रासलीला रचाना चाहता था, जिसकी वजह से इनको सोचा कि मार दे तो रास्ता आगे का साफ हो जाएगा और हम अपने भाभी के साथ रासलीला रचाएंगे, और जिसकी वजह से इनको मारने का हर वो कोशिश किया जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। सर ये तो अलग बात हो गई, इनको बुढ़िया बना दिया 50-60 साल का एक बच्चा है, लेकिन दुख हमको इस सत्ता शासन प्रशासन पुलिस एसपी दरोगा थाना कोर्ट कचहरी से है, और दुख इस बात से है कि ये थाना एफआईआर या केस कचहरी जो है ये अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है। सोचिए कि आज इस घटना को एक दो महीना बीत जाने के बाद, एफआईआर होने के बाद भोजपुर जिला के एसपी साहब का नींद नहीं जागा है, और इसके बाद थाना अध्यक्ष साहब इनके हैवान पति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं रहे हैं। ये बताए कौन से थाने की बात है? ये उदवंत नगर थाना आरा जिला, आरा जिला के उदवंत नगर थाना अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा पढ़े लिखे और शर्म हैया है तो मर जाइए आप लोग, डूब के मर जाना चाहिए आपको जो है नदी और चुल्लू भर पानी में, कि एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते जिसको बुढ़िया बना दिया गया है। एसपी साहब के कानों तक बात नहीं पहुंचती है। थाना अध्यक्ष क्या बोलते हैं? उदवंत थाने में जितना बार भी मैं गया हूँ मुझे बदतमीजी से बात किया गया है, मुझसे थाने में बदतमीजी से जी, और न्याय नहीं मिल रहा आपको? न्याय नहीं मिल रहा है, मैंने बोला भी कि एसपी साहब का ऑर्डर है, मेरी बहन कहाँ पे मुझे मिलने के लिए, अब बता दीजिए मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोल रहे तुम बताओ ना पहले तुम्हारी बहन कहाँ है, हम तुम्हारी खोजने के लिए बैठे हैं, इतना केस है मेरे ऊपर, इस तरीके की बात कर रहे थे मुझसे। मतलब जो है इंसानियत नाम का चीज ही नहीं, एक भी। अच्छा आपके बहन के साथ क्या हुआ है? मेरी बहन के साथ इनके साथ नशा का इंजेक्शन दिया गया, बहुत मारा गया है यहाँ पे और बहुत ज्यादा पीट मारा गया। दहेज वहेज की बात थी क्या? जी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, इनको फोन पे एक दो बार दहेज के लिए मतलब हमसे बुलवाया गया है, हम ही बात किए हैं। हाँ। इनको ये मतलब रो रही थी, मैंने बोला भी तुम क्यों रो रही हो। हाँ। तो बस फोन कर जा रहा था। तो इनके पति इनका साथ नहीं दिया, इनके पति ने इनको मार दिया, मारने का प्रयास किया? इनको मारने में कम से कम दो तीन लोग का नहीं है, गोतनी और पति और गोतनी के फैमिली वाले पूरे मिले हुए हैं, सब सारे मिलकर मारे, मतलब सारे मिलकर इनको मारना चाहते जी सारे। अच्छा पति जो इनकी गोतनी थी उसके साथ इनके पति का अफेयर था? जी गलत संबंध था, ये जानती भी थी। हाँ। ये मतलब पकड़ भी थी, इसी का विरोध की। हाँ। तो इतना मतलब गंदा काम कर दी वो। अच्छा ये बताइए इनकी स्थिति तो ये हो गई है, लेकिन अभी तक उस दरिंदे पति को नहीं पकड़ा गया जिसकी वजह से इनकी ये स्थिति हुई। आप लोग थाना होना में नहीं जा रहे हैं? जी थाना में क्या जाए, उसके बाद पैसा का ताकत है ना। हाँ। मैंने जब उदवंत नगर के थानेदार के पास गया जिसके इनके हाथ में कैसे 10 बार भी गया हूँ मैं। हाँ। मुझे बदतमीजी किया गया है और कॉल पे बात भी किया है, मुझे वहाँ पे 1% सपोर्ट नहीं मिला और कि मुझे लग रहा है कि मैं फंस जाऊंगा, इस तरीके की मुझे बात किया गया। और एसपी साहब क्या बोलते हैं? एसपी साहब बोले हैं कि मतलब इस केस पे फिर से जांच होगा, मतलब तुम, मैंने सारा जैसे बताया, वो लोग मुझ पे ही केस कर दिए उल्टा। एसपी कौन केस कर दिया? ये मेरा जीजा की है और गोतनी दोनों, मतलब इनके ससुराल वाले जो है आपके ऊपर उल्टा केस कर दिया। केस कर दिया, आप इंसाफ की लड़ाई इनके लिए लड़ रहे थे जी। अच्छा एसपी साहब से उम्मीद है आपको कि नहीं है? जी एसपी साहब से तो उम्मीद है, क्योंकि अपना तो कार्रवाई कर रहे हैं, मगर निचले स्तर के जो डीएसपी साहब हैं और थानेदार साहब हैं उन लोग से 1% मुझे मतलब। बेशक एसपी साहब ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं इसमें शिथिलता बरत रहे हैं जिसकी वजह से इनकी स्थिति ये हुई है। इससे पहले भी आपने कंप्लेन दी हुई थी क्या? जी 2022 में मैंने महिला थाना में भोजपुर, मतलब ये स्थिति होने से पहले जी मेरी बहन ही खुद कंप्लेन की थी। हाँ। मेरी बहन कंप्लेन की थी, वो लोग जानते थे कि अगर कुछ जान से मारेंगे तो वो फंस जाएंगे, शायद उस समय अगर कार्रवाई होती तो ये स्थिति नहीं होती जी, बच जाते, मगर उन लोग का अप्रोच है। कहां मर गया महिला आयोग इस जिले का, कहां मर गया भैया महिला आयोग? एक महिला की पीड़ा नहीं समझ सकते महिला आयोग वाले, और महिला आयोग की बात करते हैं, कहां मर गए आप लोग? इनको न्याय दिलानी है, इनको इंसाफ दिलाइए, नहीं तो ऐसे तमाम बहन बेटियां जो है मरती रहेंगी, मौत के मुंह में जाती रहेंगी, मौत के गाल में समाती रहेंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। एसपी डीएम दरोगा पुलिस कोर्ट कचहरी सब ना इनके साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। ये बताइए क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? मामा पड़ा है। हाँ? मार पड़ा है आपको? हाँ। कौन मारा आपको? माथा खून गिरा है। मुंह से खून गिरा है? माथा से। हाँ। कौन किया ऐसा दशा आपका? मेरे पति। आपके पति? हाँ। आपके पति ही आपको मारना चाहते थे? हाँ। क्यों मारना चाहते थे? कि तुम यहाँ मत रहो। हाँ?
तुम जाओ यहाँ से जाओ। हाँ। जरा सोचिए ये स्थिति है। बोलने के लिए आज के 3-4 साल पहले जब इनकी शादी हुई तो खुशियां थी इस घर में, ये एक बहन एक बेटी दूसरे के घर में जा रही है और दो कुल को वो रोशन करेगी। लेकिन सोचिए एक कुलनासी जो इनका इनके इनका जो है जान का दुश्मन बन गया। सोचिए कि ये स्थिति है, क्या हुआ है भैया, कैसे न्याय मिलेगा इनको? देखिए क्या हुआ है कैसे हुआ है ये सारी बातें तो पता चल गई आपको, पता चल गया। मामला ये है कि इनको न्याय कैसे मिलेगा। हाँ, मुख्य मुद्दा ये है कि इनको न्याय कैसे मिलेगा। हाँ। तो निचले स्तर पर इनको पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मदद नहीं मिला है। हाँ। हम लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग लगे हुए हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिले, क्योंकि ये केवल इस घर की बात नहीं है। हाँ। ये कल को आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। ये पूरे राज्य की बात है, पूरे देश की बात है। और मुझे शर्म आती है और आश्चर्य होता है कि ऐसे मामलों के लिए कहां महिला आयोग छुप के बैठा हुआ है, केवल चैनल पर गुटुरगू करने के लिए उनका काम है। उम्र गए नहीं आएंगे। हाँ। महिला आयोग, या मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीर है तो आइए मिलिए, मिलिए इस पीड़ित बालिका से, इस बच्ची का दर्द समझिए, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो DGP हो, और चाहे मैं इस राज्य के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस मामले पर खुद संज्ञान लीजिए, वरना हम लोगों को मजबूरन में हाई कोर्ट में रिट दायर करना पड़ेगा। बस मैं इतना कहता हूँ कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और बिहार पुलिस को कहाँ मौका है ऐसी महिलाओं और ऐसी बच्चियों और ऐसी बेटी बहनों की लड़ाई लड़ने का। उनको तो शराबी पकड़ना है, शराब पकड़ना है, और शराब से जो है बिहार को बचाना है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन महिलाओं के साथ, इन बच्ची इन बेटियों के साथ भी हैवानियत कर रहे हैं, और दिक्कत इस बात का है कि इनके इनकी इन जैसी अच्छी महिलाओं को भी जो है वो लोग नहीं छोड़ रहे, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे, पति जो है अपना पति ही अपनी पत्नी का दुश्मन हो जा रहा है। निवेदन है कि कम से कम इनकी बात को सुना जाए। अगर थाना अध्यक्ष महोदय जी आप ईमानदार हैं तो इनके साथ ईमानदारी दिखाइए और इनको न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तो जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। अब आखिरी विकल्प हम लोग हैं और हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। तो निवेदन है कि कम से कम इनको जो है न्याय दिला दीजिए। एक बहन एक बेटी की जान बचे ना बचे, लेकिन इनका घर कम से कम इनको न्याय दिलाकर इनका घर जरूर बचा लीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि इस संबंधित थाने से, संबंधित जिले से DMSP तमाम लोग जो है इस तमाम मामले पर जो है संलिप्त लोगों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डालने का काम करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।